नमस्कार, समय HTV के कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जी सर, रुद्रप्रयाग जिला पंचायत के युवा ऊर्जावान अध्यक्ष श्री सुमंत तिवारी जी से। तिवारी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार तिवारी जी, थोड़ा सा अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताइए कि किस तरह से जो है आपने शुरुआत करी है। देखिए, मैं 1998 में श्रीनगर में गढ़वाल विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और बीए में मेरा वहाँ पर एडमिशन रहा। 98 से मैं NSY में जुड़ा। NSY कांग्रेस का राष्ट्रीय छात्र संगठन है। उसके बाद मैं 2002 से 2005 तक लगातार चीफ इफेक्ट की भूमिका मैंने गढ़वाल विश्वविद्यालय में निभाई, हॉस्टल में निभाई और पूरे गढ़वाल कैंपस का उस समय चीफ परफेक्ट होता था। पूरे गढ़वाल विश्वविद्यालय जितने भी कैंपस के अंदर जितने महाविद्यालय उनका चीफ परफेक्ट होता था। उसमें 2004 में चीफ परफेक्ट रहा। उसके बाद राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रहा और 2014 में मैं क्षेत्र पंचायत रहा, प्रमुख का मैंने चुनाव लड़ा। 2017 में मेरी विधानसभा की तैयारी रही। उसके बाद मैं आपका प्रदेश यूथ का महासचिव रहा, AICC का मेंबर रहा। 2017 में मैं जिला अध्यक्ष रहा कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद क्योंकि महत्वाकांक्षा राजनीति में होती है तो कर्नल कोटा से निजी संबंध होने के कारण मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ और केदारनाथ में मैंने आम आदमी पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ा। जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी था मैं और उसके रहते हुए मैंने चुनाव लड़ा। 5000 लगभग मुझे वोट प्राप्त हुई और आज स्वतंत्र रूप से मैं जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि आम आदमी पार्टी का दामन भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि परिस्थितियों को देखकर, उत्तराखंड की जो परिस्थितियाँ उसको देखते हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जनाधार या आप जनादेश कहें वो मुझे लगा नहीं, इसलिए मैं स्वतंत्र रूप से आज जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्यक्रम। बहुत सुंदर सर। किन सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और क्या आपकी प्रेरणा रही है राजनीति में आने के लिए? देखिए, जब से छात्र संघ में रहे, जब से कॉलेज में रहे, हमारी हमेशा सामाजिक भूमिका रही कि ऐसा है गरीबों की और समाज की जितनी मदद हो सके, चाहे धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या कोई बीमार हो। क्योंकि हमने जब कॉलेज के दौरान कई ऐसे महिलाएं जो प्रसव के दौरान जिनको ब्लड की आवश्यकता थी उनको ब्लड दिया, कई ऐसे गांव से जो मरीज आते थे जिनको ब्लड की आवश्यकता होती थी हमने उनको ब्लड देने का काम किया। हॉस्पिटलों में एक संदेश देने के लिए फल वितरण से लेकर आपके गांव में सर्वदान, चाहे धारा सफाई हो, चाहे झाड़ी सफाई हो, कई ऐसे कार्यक्रमों में हमारी भूमिका रही और रहनी भी चाहिए युवाओं की, क्योंकि इससे समाज को एक अच्छा संदेश जाता है। जब युवा आगे बढ़ चढ़ कर आएगा तो निश्चित रूप से राष्ट्र का निर्माण स्वतः ही अच्छा होगा। बिल्कुल। तो आप अंतिम व्यक्ति से जुड़े हैं। वैसे तो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी समस्याएं भी बहुत बड़े मुद्दा बन जाती हैं और जिसका समाधान, त्वरित समाधान और स्थायी समाधान ही समाज में जो है परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। तो जैसे श्रीमान पशु चिकित्सा हो गई, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी समस्या है पशु चिकित्सा, आपके कॉलेजों में टीचर ना होना, स्वास्थ्य की समस्या, तो किस तरह से जो है अभी जो चल रहा है वो? देखिए, निश्चित रूप से चाहे पशु डॉक्टरों की बात आप करें जी, चाहे आप सामुदायिक अस्पतालों में डॉक्टरों की और जो सर्जन है उनकी बात करें, यहाँ पर काफ़ी समय से बड़ी लचर व्यवस्था थी जी। मैंने इसके लिए आंदोलन भी किया, लगभग मैं 15 दिन आपके कर्मी कंसल पर रहा, 5 दिन भूख हड़ताल पर रहा। उसके बाद यहाँ पर कुछ डॉक्टरों की तैनाती भी हुई और हमारा तो उद्देश्य लक्ष्य ये रहता है कि स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होनी चाहिए, शिक्षा में शिक्षा का स्तर मजबूत होना चाहिए। इसके लिए हम समय समय पर पत्राचार के माध्यम से बात की बात को समाधान ना हो पाए तो हम आंदोलन के रूप में भी, सरकार किसी की भी रही, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या अन्य हो, हमको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं कई बार आंदोलन भी हमने किए, चाहे LNT में बेरोजगारों को भगाने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की मजबूत स्थिति ना हो, चाहे शिक्षकों की कमी हो। अभी कई बार मैंने CMO आपके मुख्य शिक्षा अधिकारी को मीटिंग करके बुलाकर, चाहे बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, उनसे समय समय पर हम मालूम कर देते हैं किस स्थिति, किस स्कूल की स्थिति
किस प्रकार से है, उसके लिए शासन को अवगत कराते हैं कि यहाँ पे शिक्षकों की कमी है। तो ऐसे प्रयास हम करते रहते हैं, जब से जिला पंचायत अध्यक्ष बना था लगातार इस बात पर हमारी चर्चा होती रहती है, चाहे मुख्यमंत्री जी से हो, शासन में हो या प्रभारी मंत्री से हो, कि हमारे जिले की जो व्यवस्था है, जो बदहाल व्यवस्था जो स्वास्थ्य की थी, अब लगभग उस ठीक स्थिति में और बहुत बेहतर होने की आवश्यकता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया, प्रभारी मंत्री जी को भी अवगत कराया कि यहाँ पे हमारे सिटी स्कैन की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पे MRI की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मशीनें तो है उसको चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑपरेटर जो की आवश्यकता सख्त आवश्यकता है, जो टेक्निकल जो है हमारे रेडियोलॉजिस्ट है, उन रेडियोलॉजिस्ट की यहाँ पे नियुक्ति होनी चाहिए। अच्छा, ये देखने को मिलता है सर कि पहाड़ी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष सीजन में अब आप देखेंगे कि बादल फटने की जो है ये समस्या बनी रहती है, जिसमें जो है काश्तकारों की कई हेक्टेयर भूमि जो है वो बह जाती है। तो ऐसे में जिला प्रशासन का आपका मतलब ये इससे उभरने के लिए, संकट से उभरने के लिए किस तरह से जो है आप मदद करेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी अगर आप उन्हें मुआवजा वगैरह प्रदान करें तो वो फिर आत्मनिर्भर बने कृषि में। देखिए, ये ऐसी आपदा है, देवी आपदा की, इस पर किसी के बस नहीं है, रोक नहीं है, और हम पहाड़ी क्षेत्र के हैं, ये आपदा क्षेत्र भी माना जाता है, और यहाँ पर आपदाएँ लगातार हर वर्ष आपदाएँ आती है और लोगों के इससे भवन मकान खेती को काफ़ी नुकसान होता है। और हमारे एक लक्ष्य और एक हमारी जो प्राथमिकता है वो ये है कि जिन काश्तकारों की खेती को नुकसान हुआ है उनको तुरंत जिलाधिकारी हो चाहे वहाँ पर संबंधित विभाग के अधिकारी हो, उनको निर्देशित करके उस स्थान पर तुरंत जाके मुआवजा कर, उनका आकलन कर, इस्टीमेट बनाकर तुरंत प्रशासन अपने स्तर से जो उनकी कार्रवाई होती है उसको करें और उन्हें जल्दी से जल्दी उस मुआवजे को दिया जाए। उसके अतिरिक्त कई ऐसे मकान भवन होते हैं जिनको क्षति, जो जीर्ण छीण होते हैं, और भूगर्भ की जब रिपोर्ट आती है तो वो रहने लायक नहीं होता, तो उसका उसको भूमि को या मकान भवन को विस्थापन जब किया जाता है तो उसके जल्दी जो प्रक्रिया हो वो जल्दी प्रक्रिया हो, जिससे वो सुरक्षित स्थानों पर रहे। हमारे तो हमेशा यही प्राथमिकता बेहतर रहती है कि जल्द से जल्द प्रशासन की मदद करें। बिल्कुल सर, इस दौरान भी इस वर्ष भी ये देखा गया है सर कि कई पुल जो हैं इस आपदा की भेंट में जो हैं तबाह हो गए हैं, तो इसके बारे में क्या अपडेट है सर? अभी जो वर्तमान की व्यवस्था है एक अच्छी व्यवस्था है कि इसमें आपके क्षेत्र में कहीं भी चाहे मकानों को हो, चाहे आवासीय भवन को हो, चाहे आपके खेतों को हो या अन्य पुलिया को हो, गाड़ गधेरों को, जहाँ पे भी आपको नुकसान जो होता है आपदा कंट्रोल रूम में फ़ोन करके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जब आपदा कंट्रोल रूम में आप अपनी शिकायत दर्ज करेंगे तो आपदा कंट्रोल रूम वाले संबंधित विभागों को निर्देशित कर तुरंत मौके पर जाके मौका मुआयना करने के लिए कहते हैं और जल्दी से उसका समाधान हो पाता है। जी अच्छा सर, अभी जो ये परियोजना चल रही है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की, तो इसमें भी घरों में काफ़ी दरारें आ गई हैं, तो ग्रामीणों को विस्थापन के लिए क्या व्यवस्था की, क्या आपकी बात हुई है रेलवे? निश्चित रूप से जो सुरंग बनने से जो विस्फोटक से मकानों को और भवनों को जितने भी स्थानीय यहाँ पर लोग हैं उनके नुकसान हुआ है, इस संबंध में मैंने रेलवे के अधिकारियों को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया और निश्चित रूप से उनका एक फंड CSR फंड होता है, उस फंड की उनसे हमने डिमांड करी, मांग करी, और मुझे लगता है जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें होंगी उनका राइट भी बनता है, जो जनहित के मामले हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं उनका अधिकार बनता है, और इनका भी नैतिक दायित्व कर्तव्य बनता है रेलवे विकास बोर्ड को कि इनकी समस्याओं का समाधान करे और जो ऐसे भवन जो जर्जर है उनको मुआवजा देने का काम करे या जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में जो उनके अपने बायलॉज में जो चीज़ें होंगी वो तुरंत उनका काम करने का कार्य करे। बिल्कुल अच्छा सर, अभी रुद्रप्रयाग क्षेत्र में जो है पानी की बहुत गंभीर समस्या है पेयजल की, अब शासन तो अपने स्तर से लगा हुआ है कि किसी तरह से जो है नागरिकों को राहत दिया जाए, आपके टैंकरों और खच्चरों से जो है पानी की आपूर्ति की जा रही है, तो इसका ठोस समाधान जो है कोई परियोजना जल निगम की तरफ से? आप इस जनपद रुपया की मैं बात करूं तो केदारनाथ विधानसभा में लगभग सभी जो प्राकृतिक स्रोत है वो काफ़ी वहाँ पे पानी की ज़्यादा समस्या नहीं, पर रुद्रप्रयाग क्षेत्र की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कई ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और समय समय पर लोग मांग भी और आवाज़ भी उठाते रहते हैं। इसके लिए अभी सरकार की योजनाएं चल रही है, केंद्र सरकार ने हर घर नल जल जीवन मिशन के तहत कराए, फर्स्ट फेज में प्रत्येक घर को नल दिया जाएगा, सेकेंड फेज में पानी का स्रोत ढूंढ के पानी जोड़ा जाएगा। अब ये कितनी कारगर साबित होती है अभी ये
अभी क्योंकि सेकंड फेज का कार्य नहीं हुआ है और सरकार की प्राथमिकता तो है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कि पानी हर घर में पहुँचे, क्योंकि जल ही जीवन है। और हमारे भी जिला पंचायत के माध्यम से भी हमारा रहता है कि हर घर में पानी हो। हमारा तो यहाँ पर 50% जो पहले राज्य भी 15% से, और राज्य भी में भी 50% का पहले था कि प्रत्येक घर के लिए आप पेयजल में 50% पैसा आप खर्च करें। और मुझे लगता है धीरे धीरे समस्याएं दूर जाएंगी। सभी इसके लिए जनप्रतिनिधि भी सचेत हैं और अधिकारी गणों में भी एक लगाव है कि पानी हर घर में पहुँचाए। तो दर्शकों, आपने देखा श्री सुमंत तिवारी जी के विचार। हम आशा करते हैं कि आपके कुशल नेतृत्व में समस्त समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी हो पाएगा। आपको बहुत बहुत भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।